वेलकम बैक टू माय चैनल चिंकीज बाइट। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी ही फास्टिंग वाली वीडियो। साबुदाने की या मोरधान की खिचड़ी हम खा खा के बोर हो जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो आप उपास में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 2 कटोरी के करीब साबुदाना को भिगोकर रख दिया था। आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रखिए। अब उसके बाद मैंने साबुदाने को एक मिक्सी के जार में लेकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं, उन्हें उबाल लिया है। छीलने के बाद अब मैं उसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेती हूँ। आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितने साबुदाने लेना है। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी साबुदाने लिए थे, तो 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक मिक्सी में बारीक पीस लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है। 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर यूज किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नमक एड कर दिया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है, उसे बारीक चॉप कर उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा अब हम यहाँ पर 1/2 कटोरी के करीब आरारोट का यूज करेंगे। चलिए अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप साबुदाने को भिगोते हैं तो उसमें ज्यादा पानी नहीं रखिएगा। एक बार उसे वॉश करने के बाद सारा पानी निकालकर 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा एक डो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऑयल यूज कर रही हूँ ताकि ये बॉल में चिपकेगा नहीं। वैसे तो इस रेसिपी को आप व्रत में या उपवास में यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारा कुछ स्नैकी से खाने का मन करता है तो हम इसे बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं। अगर आप इसका यूज उपवास में नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी गार्लिक भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। इस पर अच्छे से मैंने ऑयल लगा दिया है और थोड़ा सा डो लेकर गोल गोल शेप में इसे बेल लेते हैं। देखिए, आपको इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखनी है, इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसकी लंबी लंबी कतलियां काट ली है। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, या तो इसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं या ट्रायंगल शेप में भी बनाएंगे तो बच्चों को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी लंबी लंबी सी फ्राइज काट ली है। अगर आप इसे बच्चों को खिलाना चाहते हैं तो आप इसकी ऐसे ही लंबी लंबी फ्राइज काटिए, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। चलिए अब मैंने यहाँ पर इसी तरीके से इन्हें कट कर लिया है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसी के साथ व्रत वाली चटनी भी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ धनिया पत्ती ली है, कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली है, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ऐड की है, थोड़े से पीनट्स, 2 से 3 चम्मच घर की बनी हुई फ्रेश दही ली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल फाइन पीस लेती हूँ। ऊपर से मैंने इसमें उपवास वाला नमक ऐड कर दिया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। चलिए तो हमारी चटनी तैयार है। अब हम हमारी जो फ्राइज काट कर रखी थी उसे तल लेते हैं। एक बार हाई फ्लेम पे तेल को गर्म करने के बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। ध्यान रखिएगा आपको इसे लो फ्लेम पर नहीं तलना है, वरना ये क्रंची नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पर तलने से ये ऊपर से क्रंची भी रहेंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रही हैं
तो आप इसमें ओरेगेनो का यूज भी कर सकते हैं, उससे इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बच्चों को ये बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की याद दिलाएगा। चलिए तो हमारे जो ये स्नैक्स हैं वो तलकर रेडी हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये साबुदाना है तो ये हल्के से सफ़ेद ही दिखेंगे। तो देखिए ऊपर से तो ये बिल्कुल क्रंची हैं और अंदर से भी आप देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए उपवास की ये वाली रेसिपी हमारी तैयार है। अब आप इस नवरात्रि इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हाँ आकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।